हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। अब नजर डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर यानी कि ओशियन कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र यानी कि हाइड्रोग्राफिक या फिर मैट्रिक कर्व कहते हैं। आप जानते हैं समुद्र के बारे में। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। अब जानेंगे खाड़ी यानी कि गल्फ के बारे में। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। अब जानते हैं बे के बारे में। इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है यानी कि लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। महाद्वीपीय सेल प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। सेल अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक यानी कि 330% है। दूसरा मृत सागर जिसकी लवणता 238% है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जैसे कि हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी कि 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। अब जानते हैं सोल के बारे में। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता। अब जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अब जानते हैं महासागरों के बारे में। इनमें सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके शीर्ष पर बेरिंग जल डमरू मध्य व आधार में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। प्रवाल भित्तिया प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। अब जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। यह संपूर्ण संसार का 6ठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,000 वर्ग किलोमीटर है जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका तथा दक्षिण में है अंटार्कटिका। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है।
इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 किलोमीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। अजोर्स का पाइक्यो द्वीप तथा केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंशन, ट्रिस्टा डी काना, सेंट हेलेना, गोवा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर यानी कि रोमांस द्वीप इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग में डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर व कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है, इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक होती है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह पाए जाते हैं। अब जानते हैं हिंद महासागर के बारे में। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। अब जानते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेली बीच सागर इसी महासागर में स्थित है। आपको बता दें कि महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर एवं सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।